गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। दोस्तों, आज की इस वंडरफुल वीडियो में हम मोदी केयर के एक और बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये प्रोडक्ट भी अगेन मोदी केयर का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वंडरफुल वीडियो के अंदर मोदी केयर के वेल पेन ऑयल के बारे में। दोस्तों, वेल पेन ऑयल से जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इस प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके बेसिक जो हैं बेनिफिट्स क्या हैं, किस किस केस में ये प्रोडक्ट आपको रिलीफ देगा, इसके अंदर डाला क्या क्या गया है, सारी की सारी कंप्लीट बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देख के। दोस्तों, प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट शानदार एक वंडरफुल पैकेजिंग के अंदर हम लोगों के लिए अवेलेबल करवाया गया है और इस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन है वेल पेन ऑयल रिलीव्स पेन स्टिफनेस एंड इन्फ्लामेशन। अगर हम बात करें इन तीन बातों की, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम समझें एक आम आदमी की रूटीन लाइफ के अंदर उसको मल्टीपल बॉडी पेन का सामना करना पड़ता है। स्टिफनेस का मतलब अगर हम समझें सिंपल भाषा में तो अकड़न आप इसको समझ सकते हैं पेन की प्रॉब्लम के अंदर, और इन्फ्लामेशन को आप समझ सकते हैं स्वेलिंग की प्रॉब्लम, सूजन की प्रॉब्लम। आज के टाइम पे जनरली हम लोग देखते हैं कि भागती दौड़ती लाइफस्टाइल के अंदर मल्टीपल हेल्थ चैलेंज दो है वो एक आम आदमी को फेस करने पड़ते हैं, और इन्हीं हेल्थ चैलेंज के अंदर बॉडी पेन एक मेजर हेल्थ चैलेंज के रूप में उभर के आया, क्योंकि आपकी डाइट के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होती जो कि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। और इसी वजह से जब रिक्वायरमेंट और जो आप अपनी फिलअप कर रहे हैं वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं बैठता, तो कहीं ना कहीं एक गैप फिल मतलब जो है वो क्रिएट होता है, और उस गैप की वजह से बॉडी पेन जो है वो हमारे शरीर के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक जानते हैं किस किस तरीके के बॉडी पेन हैं जिनको हमें रोज़ाना फील करना पड़ता है। सबसे पहले सर्वाइकल स्पोंडोलिसिस। दोस्तों, इसको आप सिंपल भाषा में समझें तो हमारी जो गर्दन की रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है, सिंपल अगर हम इसको समझें तो एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जिस तरह की हमारी जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है उसके अंदर जो पेन हमें महसूस होता है वो हमारा सर्वाइकल स्पोंडोलिसिस की प्रॉब्लम होती है। सेकंड, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, यानी कि हमारे जो कंधे होते हैं वो अकड़ जाना। जनरली ये प्रॉब्लम जिस भी पर्सन के अंदर देखने को मिलती है, कुछ टाइम तक अगर ये प्रॉब्लम लगातार बनी रहती है तो आने वाले टाइम के अंदर इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक होकर सामने आने स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे पूरी बॉडी के जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स के अंदर जो कुशनिंग होती है जो कि उन सुरक्षा कवच की तरह काम करती है जॉइंट्स के अंदर, वो धीरे धीरे उम्र के साथ में ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक चौथी प्रॉब्लम है रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसको हम गठिया की प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। ये घुटनों में, एड़ियों में, पीठ में, कलाई में, हर चीज़ उस जगह पे हो सकती है जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट हमें फील होते हैं। इसके अलावा हम मस्कुलोस्केलेटल पेन, ये एक आज के टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि मसल्स, हड्डियों और लिगामेंट के अंदर जो पेन होता है इसको हम मस्कुलोस्केलेटल पेन कहते हैं। दोस्तों, ये पेन आज के टाइम अगर आप देखें तो 70-80% लोगों के शरीर में देखने को मिल जाएंगे। जितने लोग इस टाइम इस वीडियो को भी देख रहे हैं उन लोगों को भी अगर आप लोग एक बार सुन के देखें, उनसे बात करके देखें, तो कोई ना कोई बॉडी पेन इन 4 से 5 तरीके में से आपको ज़रूर महसूस हो रहा होगा। अगर आपको नहीं है तो आपकी जानकारी में ऐसे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम जरूर होगी। दोस्तों, कुछ कॉमन पेन और देख लेते हैं, नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट पेन, नी पेन, एल्बो पेन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये मैंने आपको रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सिंपल मैं आपको एक सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉडी पेन जनरली हम लोग किस किस तरीके से फील करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मोदी केयर के वेल पेन ऑयल की, तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं और उनका बेनिफिट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, इसके अंदर पोटेंट आयुर्वेदिक ऑयल 7 हर्बल इंग्रेडिएंट, यानी कि 7 आयुर्वेदिक हर्बल इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन बना के ये पेन ऑयल जो है वो तैयार किया गया है,
जिसमें कि सबसे पहला है गंदापुरा ऑयल, दूसरा है तेलीपरना ऑयल, तीसरा है लौंग ऑयल, फोर्थ है निरगुंडी ऑयल, फिफ्थ है सरला ऑयल, सिक्स्थ है कैडरवुड ऑयल और सेवन्थ है पेपरमिंट ऑयल। दोस्तों जानते हैं एक एक करके इनकी ऑयल के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्रेडिएंट की, तो जो कि है गंदापुरा ऑयल, अगर हम इस बात को डिटेल में समझना चाहें तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के अंदर, जो हमारी पेन की प्रॉब्लम, उसके अंदर इस ऑयल का काम क्या है, ये पेन को रिड्यूस करता है और स्वेलिंग को कम करता है। जनरली इस ऑयल का मेन फीचर है इसकी इन्फ्लामेटरी फीचर। अगर स्वेलिंग की बात करें तो स्वेलिंग को कम करने में मदद करेगा, इचिंग के अंदर कम करेगा, स्टिफनेस जो हो जाती है ज्वाइंट्स के अंदर उसको कम करने के अंदर हेल्प करता है। और ये सातों के सातों ऑयल जो हैं वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का ऑयल है, अगर दोस्तों सिंपल समझें, और एक तरीके का प्लांट बेस्ड ऑयल होता है जो कि दर्द निवारक अगर हमारे लिए काम करता है, उन ऑयल का कॉम्बिनेशन है मोदी केयर का वेल पेन ऑयल। तो सबसे पहले गंदापुरा ऑयल का काम क्या है, ये हमारी पेन को कम करता है और स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा तेलीपरना ऑयल की बात करें तो इसको नीलगिरी का तेल भी कहा जाता है। नीलगिरी का तेल हमारी शरीर के अंदर एनाल्गेसिक एक्ट के रूप में एक्ट करता है। एनाल्गेसिक का मतलब होता है जो पीड़ा, जो दर्द हमारे शरीर में है उसको खत्म करने वाला, एनाल्गेसिक का मतलब है दर्द नाशक। तो ये रिलीफ महसूस कराता है मस्कुलोस्केलेटन पेन के अंदर। दोस्तों मसल्स, हड्डियों और लिगामेंट के अंदर जो पेन होता है उसके लिए ये एक एनाल्गेसिक की तरह एक्ट करता है, यानी कि जो पेन आपको हो रहा है उस पेन के एंटी ये वर्क करेगा, तो वो पेन आपका जल्दी खत्म होगा। तो नीलगिरी का तेल इसके अंदर सेकेंड कॉम्पोनेंट है। इसके बाद थर्ड की तरफ बढ़ते हैं लौंग का तेल। अगर हम लौंग के तेल की बात करें तो हमने बहुत बार सुना होगा कि जैसे कि हम पुराने टाइम की बात करते हैं, हमारे दादा परदादा की बात करें, हमारी जितनी भी पहले की जनरेशन थी, उस टाइम पे बॉडी के अंदर जॉइंट्स में कोई पेन होता था या मसल्स में कोई पेन होता था, बॉडी में कोई पेन होता था, तो लौंग के तेल की मालिश करने के लिए बोला जाता था। अगेन लौंग तेल जो है वो काम क्या करता है, स्टिफनेस को कम करता है जॉइंट्स की, और सोरनेस जो मसल्स की होती हैं, यानी कि पीड़ा, मसल्स के अंदर जो पेन होता है, मस्कुलर पेन जो होता है, उसको खत्म करने के अंदर हेल्प करता है लौंग का तेल। इसके बाद फोर्थ इसका इंग्रेडिएंट है दोस्तों निरगुंडी ऑयल। अगर हम निरगुंडी ऑयल की बात करें तो ये काम करता है जॉइंट्स पेन के अंदर जो पेन होता है उसकी मात्रा को कम करने के अंदर मसल हेल्प करता है, और मसल स्पाजम, अगर हम निरगुंडी की बात करें तो ये कि बेहतरीन औषधि होती है जो कफ और वात को नष्ट करती है और दर्द को कम करती है। इसको त्वचा के ऊपर लेप के रूप में लगाने से सूजन भी कम होती है, घाव को ठीक करने में, घाव को भरने के अंदर निरगुंडी के बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, और ये बैक्टीरिया और कीड़ों को नष्ट करने का भी काम करती है। आप सोच के देखिए इतने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे जॉइंट्स पेन की बात कर रहे हैं और मसल स्पाज्म, यानी कि मसल्स पेन से रिलेटेड और जॉइंट पेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम उसको रिवील करने के अंदर निरगुंडी जो है वो एक बेहतरीन रोल अदा करता है। इसके बाद हम अगले इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं, वो हमारा सरला ऑयल। सरला ऑयल रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है और ये इन्फ्लामेशन को कम करने के अंदर हमारी हेल्प करता है। दोस्तों जिस वर्ड के साथ एंटीऑक्सीडेंट आ गया वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियली बेनिफिशियल है। इसके बाद कैडरवुड ऑयल की अगर हम बात करें तो इसको देवदार का तेल भी कह सकते हैं। इसके अगेन इसके अंदर अगेन एंटी इन्फ्लामेटरी फीचर पाई जाती है और ये पेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के साथ में आता है। दोस्तों जॉइंट्स के अंदर किसी भी तरीके का जो पेन है या मस्कुलर किसी भी तरीके का पेन है, तो उस पेन की जो स्ट्रेंथ है वो जितनी तेजी से वो पेन आपको हो रहा है उसको रिड्यूस करने के अंदर कैडरवुड ऑयल, देवदार का ऑयल जो है वो हमेशा से काम आता है, और वो मोदी केयर के पेन ऑयल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन इसके अंदर मेजर इंग्रेडिएंट डाला गया है पेपरमिंट ऑयल, यानी कि पुदीना। पुदीना अगेन एनाल्गेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि दर्द नाशक के रूप में काम करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के साथ में आपको ये मिलता है। अब हम बात करें फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट के अंदर सातों इंग्रेडिएंट की, तो सातों के सातों ऐसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि हर तरीके से कैपेबल हैं हमारे शरीर के अंदर जो पेन की प्रॉब्लम होगी उसको रिड्यूस करने के अंदर। इसकी कुछ और की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पोटेंट आयुर्वेदिक ऑयल, सेवन हर्बल इंग्रेडिएंट दैट प्रोवाइड ग्रेटर जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर लगभग हर हिस्से के अंदर आपको जॉइंट्स मिलते हैं,
और उन जॉइंट्स के अंदर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आपकी डाइट प्रॉपर नहीं रहती, वैसे मोबिलिटी खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, पेन स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मल्टीपल पेन जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो पेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोदी केयर का पेन ऑयल जो है वो इन सारी प्रॉब्लम से आपको रिलीफ करने के अंदर मदद करेगा, आपकी जॉइंट्स के अंदर मोबिलिटी प्रदान करने का काम करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेगा, क्योंकि पेन अगर आपके बॉडी के अंदर नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से आपके जो जॉइंट्स है वो काम कर पाएंगे। इसकी एक और खास बात क्या है, ये क्विक एंड डीप अब्जॉर्प्शन पावर के साथ आता है। आप इसको लगाते हैं और लगाने के कुछ ही मिनटों के अंदर, अलबत्ता मैं कहूँ आपको सेकेंडों के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। ये इमीडिएट इफेक्ट देता है जो भी किसी भी तरीके का मस्कुलोस्केलेटन पेन होता है। फ्रेंड्स कई बार होता है हम बॉडी के अंदर पोस्चर चेंज करते हैं, मान लीजिए मैंने अंगड़ाई ली सिंपल भाषा में अगर मैं इसको समझूं, या मैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूं, या मैं कोई वर्कआउट कर रहा हूं, किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान मुझे कोई मस्कुलोस्केलेटन पेन हो सकता है, इसके अलावा मेरी मसल्स के अंदर कोई खिंचाव हो सकता है, या किसी भी तरीके का जो 6-7 तरीके के जो पेन मैंने आप स्टार्ट किए थे बताने शुरू में आपको, उनमें कोई भी पेन है तो उस पेन के अंदर ये आपको इमीडिएट रिलीफ देता है, यानी कि उस पेन की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा और धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये उसको ख़त्म कर देगा। दोस्तों ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 100% नेचुरल है, किसी भी तरीके का इसके अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं मिलाया गया है। इसके बाद हम इसके MRP की बात कर लेते हैं। 430 रुपीज़ इसका MRP है, 374 रुपीज़ में मोदी केयर के कंसल्टेंट्स को मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम इसके अंदर आपको मिलेंगे 2-4, PV आपको मिलेंगे इसके अंदर 8.3430, 100 ml का ये पैक साइज है और प्रोडक्ट कोड है HL2086। ये इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ खास बातें थी। अब इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, आपको आपकी बॉडी के अंदर जिस भी एरिया के अंदर, चाहे आपका गर्दन का एरिया हो, चाहे आपका रेस्ट का एरिया हो, चाहे आपकी बैक का एरिया हो, आपके जॉइंट्स हो, घुटनों के अंदर हो, नी एरिया में हो, जिस भी एरिया में आपको पेन महसूस होता है, आप इस पेन ऑयल की 2-3 ड्रॉप अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू पेन, आप 2-3 ड्रॉप आप इसकी डालिए और इसको नॉर्मल मसाज कीजिए। आप देखेंगे विद इन 1-2 मिनट ये प्रॉब्लम के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी सी रिलीफ देनी शुरू कर देगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में मैं जितनी बातें कहूँ उतनी थोड़ी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर बिजनेस के अंदर गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है। आज के टाइम आप किसी भी उस इंसान को देखेंगे, चाहे वो हेल्दी है चाहे वो अनहेल्दी है, लेकिन उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना उसको जरूर करना पड़ता है, और कोई ना कोई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए मार्केट के अंदर लोग, बहुत सारे लोग पेन किलर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग अपने देसी तौर तरीकों से पेन के अंदर थोड़ा सा रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, और खासकर जब एज थोड़ी सी बढ़ जाती है, अगर हम बात करें 50 के अकॉर्डिंग की एज सिनेरियो के अंदर, तो मस्कुलर पेन होना, जॉइंट पेन होना आज के टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। अब तो वैसे एज फैक्टर के अकॉर्डिंग तो और भी कम एज के अंदर आपको पेन के केस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हम 50 के बाद की बात करें, क्योंकि वहां पे हम हमारी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर पाते तो पेन के केसेस बढ़ जाते हैं, स्टिफनेस के केसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में मोदी केयर का वंडरफुल प्रोडक्ट वेल पेन ऑयल जो है, सबसे पहले हमारी पेन को कम करने में हेल्प करेगा और दूसरा हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के अंदर हेल्प करेगा। तो 7 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर डाला गया है, जो कि हर तरीके के पेन से रिलीफ देने के अंदर हमारी हेल्प करेगा। इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क के लोगों तक शेयर करिए, इस प्रोडक्ट को खुद यूज़ करके देखिए, क्योंकि जब तक मैं खुद इस प्रोडक्ट को यूज़ ना कर लूँ इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मुझे नहीं चल पाएंगे, और इसके मैक्सिमम बेनिफिट जब तक मुझे पता नहीं चल पाएंगे तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी उस प्रोडक्ट को उसको साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के शानदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।